अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ी सी अपडेट देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जिन्होंने इस केस में मेरी मदद की। खसूसन सबसे ज्यादा मैं शैला रजा साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा और जफर भाई JDC जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और आज मैं जिस जगह पे हूँ जफर भाई की मेहनतों से हूँ और शैला रजा साहिबा ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया। माशाल्लाह लाहौर में आज हम इस केस को ऑफिशियली विन कर गए हैं। वहां पे 164 का जो बयान था वो खत्म हो गया है, केस खारिज कर दिया गया है और अब ये केस मुकम्मल तौर पर कराची में शिफ्ट हो गया है सिंध हाई कोर्ट में और अब इंशाल्लाह ताला हम इसको यहां पे परसू करेंगे। सेकेंडली ये चीज सामने आ चुकी है, मुजरमान कुछ पकड़े जा चुके हैं, निकाहनामा जाली डिक्लेयर हो चुका है और इसका अब ये अगवा और सहूलतकारी और ये सारी चीजों की तरफ केस जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बच्ची, आप सबसे रिक्वेस्ट है, दुआ करते रहिए कि मेरी बेटी बाजियाब हो और यहां पर आए और उसके बाद इसमें कुछ लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं जिनको कल सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये एक पूरा गैंग था जो मैं पहले दिन से बोल रहा था। अभी इसके सारे ताने बाने ऑफिशियली अब उस तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। आप सब लोगों से बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा पूरे पाकिस्तान का जिन्होंने मेरे लिए